हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम वायरस का जो टॉपिक है हमारा उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इससे पहले ऑलमोस्ट एनसीईआरटी हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ एनसीईआरटी के दो पार्ट आपके बचे हैं। एक तो वर्ड आता है वायरोइड्स और दूसरा वर्ड आता है प्रायोस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसी से रिलेटेड एक टर्म होता है विरियोन। तो विरियोन किसे कहते हैं? It is fully assembled infectious virus। ये क्या होता है? fully assembled infectious virus होता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने पहले भी कहा कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ये अपने प्रोटीन पार्ट को अलग से कॉपी करता है और अपने जेनेटिक मटेरियल को अलग से कॉपी करता है और लास्ट में दोनों पार्ट असेंबल होते हैं। तो जब ये दोनों पार्ट असेंबल हो जाते हैं तब ये इन्फेक्शियस वायरस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फंक्शनल हो जाता है। तो उस फुल्ली असेंबल्ड इन्फेक्शियस वायरस को हम क्या कहते हैं? विरियोन कहते हैं। क्या कहते हैं? विरियोन। अब दो टर्म और आते हैं, एक तो टर्म है वायरोइड और दूसरा टर्म है प्रायोस। तो दोनों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायरोइड्स क्या होते हैं। तो इसके बारे में कुछ चीजें हैं, जैसे कि वायरोइड जो टर्म है दिस टर्म वाज डिस्कवर्ड बाय टी ओ डाइनर इन 1971। ठीक है, अब हम आते हैं कि इनकी कंपोजिशन क्या होती है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, दे आर formed of, they are formed of only free RNA। अब वो RNA भी कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड मीन्स उसके दोनों एंड ज्वाइंटेड होंगे, दैट मीन्स सर्कुलर होगा। और इनका जो RNA होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। कैसा होता है? लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। तो सबसे पहली चीज तो देखो, वायरस में हमने क्या कहा था, एक तो उनकी प्रोटीन कोट होती है। क्या होती है बेटा? प्रोटीन कोट होती है और ऊपर से उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। अब हम क्या कह रहे हैं कि इनके पास प्रोटीन तो है नहीं, ये तो सिर्फ किससे बने हैं? सिंगल स्टैंडर्ड RNA से बने। तो एक चीज देखो, अगर प्रोटीन होता तो साइज होता ये, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन तो है नहीं, सिर्फ अंदर वाला पार्ट है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है। तो इसका मतलब इनका जो साइज होगा, देयर साइज इज स्मॉलर देन वायरसेस। इनका साइज जो होता है वो वायरसेस के कंपैरिजन में क्या होता है बेटा? छोटा होता है। और उसका कारण क्या है? वायरसेस के कंपैरिजन में छोटा क्यों है? क्योंकि वायरस में जो आउटर कोट होती है वो इनके अंदर होती नहीं है, प्रोटीन इनके अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। अब प्रोटीन एब्सेंट है तो बाहर की कवरिंग नहीं है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, तो साइज क्या हो जाएगा इनका? वायरसेस के कंपैरिजन में इनका साइज प्लांट से क्या, वायरसेस से क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं कि कौन कौन सा डिजीज कॉज करता है, ये भी पूछ लेते हैं। तो कौन कौन सा डिजीज कॉज करता है? इट कॉज, ध्यान रखना, ये सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, ओनली प्लांट्स। किसको इन्फेक्ट करता है? प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। और प्लांट में एक डिजीज के एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है, दैट इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। कौन सा डिजीज है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है, अब हम आते हैं प्रायोन्स के ऊपर। प्रायोन्स क्या होते हैं? तो ये चीज ध्यान से देखना बेटा, प्रायोन्स क्या है? प्रायोन जो टर्म है इट वाज गिवन बाय प्रूजिनर। जैसे विरियोड टर्म किसने दिया था? टीओ डाइनर ने दिया था, वैसे ही प्रायोन टर्म किसने दिया है बेटा? प्रूजिनर ने दिया है। ठीक है, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और वो भी कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA। लेकिन प्रायोन्स में जेनेटिक मटेरियल बेटा एब्सेंट होता है, दे कंप्लीटली लैक जेनेटिक मटेरियल। इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। ठीक है,
दूसरा क्या है, अगर हम बात करें इनके साइज की, अगर हम बात करें तो इनका जो साइज होता है इट इज सेम एज वायरसेस। इनका जो साइज होगा वो किसके जैसा होगा, वायरसेस के जैसा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा देखो, ये है आपका वायरस जिसके अंदर आउटर प्रोटीन कोट है और अंदर क्या है आपका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। लेकिन ये क्या है बेटा, इनके अंदर सिर्फ प्रोटीन कोट है। क्या है? प्रोटीन कोट। इनके अंदर अंदर का जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब अगर बाहर का प्रोटीन कोट है, अंदर चाहे जेनेटिक मटेरियल हो या ना हो, तो इनका साइज सेम किसके जैसा हो जाएगा, वायरसेस के जैसा हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। जबकि वायरॉइड का साइज इनके कंपैरिजन में क्या था, छोटा था। एक सीक्वेंस में आपको बता दूं, सबसे बड़ा साइज होता है बैक्टीरिया का। इनमें से माइक्रोब्स में अगर हम देखें तो बैक्टीरिया का साइज ग्रेटर है किसके कंपैरिजन में, वायरस के। और वायरस का साइज इक्वल है किसके, प्रायोन्स के। और इनका साइज ग्रेटर है किसे, वायरोइड से। ये हमने सीक्वेंस पढ़ लिए। हमें ये कैसे पता चला? क्योंकि वायरस जो है वो बैक्टीरिया पर फिल्टर से पास आउट हो जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया पास आउट नहीं होते हैं। इसका मतलब इनका साइज उनसे छोटा है। और प्रायोन्स का साइज किसके जैसा है, वायरोइड्स के जैसा, सेम साइज होता है। क्यों होता है सेम साइज? क्योंकि ये सिर्फ प्रोटीन पार्ट के बने हुए होते हैं। अगर इनके डिजीज की बात करें तो दे कॉज इन्फेक्शियस, दे कॉज इन्फेक्शन। कैसे इन्फेक्शन कॉज करते हैं? न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करते हैं। कैसे डिजीज कॉज करता है? न्यूरोलॉजिकल डिजीज। जैसे कि डिजीज की अगर हम बात करें तो ये कॉज करता है बीएसई। बीएसई की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? बोवाइन स्पंजीफॉर्म, बोवाइन स्पंजीफॉर्म एनसीफेलोपैथी। क्या होती है बेटा? बोवाइन स्पंजीफॉर्म एनसीफेलोपैथी। इसी को हम कॉमनली मैड काउ डिजीज भी कहते हैं। यह डिजीज किस में होता है? कैटल्स में होता है। इसी डिजीज का एनालॉग है, एनालॉगस मतलब फंक्शन एक जैसा है, एक जैसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, इसी का एनालॉगस वेरिएंट है बीएससी का ही, दैट इज सीआर जैकोब डिजीज। सीआर मतलब क्रुट्ज़फेल्ट, क्रुट्ज़फेल्ट जैकोब डिजीज। ये डिजीज किस में होता है? ह्यूमन में होता है। किस में होता है बेटा? ह्यूमन में। तो ये हमने कुछ डिफरेंसेस देखे वायरोइड और प्रायोन के केस में, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो एक चीज और ध्यान रखना, वायरल डिजीजेस के लिए कोई थेरेपी देना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कि कोरोना फैला हुआ है तो इसकी थेरेपी मिलना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों है बहुत डिफिकल्ट? क्योंकि इनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा, एंटीवायरल ड्रग्स जो है हमारे पास वो बहुत कम हमें नोन है। इतनी ज्यादा हमारे पास वायरल ड्रग्स नोन नहीं है। तो दैट मीन्स इनके केस में जो हमारे पास थेरेपी है वो बहुत डिफिकल्ट है। अब हम ले लेते हैं बेटा वायरसेस के रेप्लिकेशन साइकिल, और वो कैसे रेप्लिकेट करते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो दो तरह की साइकिल्स होती है, एक तो होती है लाइटेक साइकिल और दूसरी साइकिल होती है बेटा लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटेक साइकिल आपको कहाँ देखने को मिलेगी? टीआर बैक्टीरियोफाज जो है वो जो रिप्रोडक्टिव साइकिल प्रोड्यूस करता है वो कैसी होती है? लाइटेक साइकिल होती है, ठीक है। तो जो वायरुलेंट फाजेज है, वायरुलेंट जो है उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो लाइटेक साइकिल शो करते हैं। जबकि जो नॉन वायरुलेंट है जैसे कि लैम्डा फर्स, ये कैसे साइकिल कॉज करते हैं? लाइसोजेनिक साइकिल कॉज करते हैं। बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई वायरस लाइटेक साइकिल को फॉलो करता है तो वो सेल को, होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या कर देता है? होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है।
जबकि अगर कोई वायरस लाइसोजेनिक साइकिल को फॉलो करता है तो ये कभी भी सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता। ठीक है, लाइटिक साइकिल में कोई भी वायरस जो होता है वो होस्ट के अंदर अपने आप को रेप्लिकेट करता है और प्रोजेनी फाजिस बनाता है। ये वायरुलेंट क्यों है? इसका कारण यही है क्योंकि लाइटिक साइकिल जो वायरसेस शो करते हैं वो होस्ट में अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे और प्रोजेनी फाजिस बनाएंगे, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल जो वायरसेस शो करते हैं वो कभी भी अपनी प्रोजेनी नहीं बनाते हैं। अब क्योंकि वो अपनी प्रोजेनी नहीं बनाते तो अपने आप को मल्टीप्लीकेट नहीं कर पाते, इसलिए कभी भी इनके केस में वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स नहीं आते। जबकि जो वायरसेस लाइटिक साइकिल शो करते हैं क्योंकि वो अपने आप को रेप्लीकेट कर लेते हैं, उनका नंबर बढ़ जाता है तो वो वायरल इन्फेक्शन कॉज कर जाते हैं और उनके सिम्टम्स भी आते हैं। क्या आते हैं? सिम्टम्स भी आते हैं। ठीक है, तो लाइटिक साइकिल जो वायरसेस शो करते हैं वो तो वायरुलेंट वायरल इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जबकि ये टेम्परेट वायरल इन्फेक्शन कॉज करते हैं, वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स नहीं आते। लाइटिक साइकिल किसी भी सेल को वेरी शॉर्ट टाइम में किल कर देती है, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल अगर कोई वायरस शो करता है तो वो वायरस को किल करने में एक लॉन्गर टाइम देती है। हालांकि जब वायरस की डेथ होगी तो वो कैसे होगी कि वो लाइसोजेनिक साइकिल से किसमें एंटर कर जाता है? लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, लाइटिक साइकिल में वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट के डीएनए के साथ अपने आप को रेप्लीकेट नहीं करता है, वो सेपरेटली रेप्लीकेट होता है, खुद की कॉपी अलग से बनाएगा। जबकि लाइसोजेनिक में क्या होता है, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट के डीएनए के अंदर एंटर करता है, उसके साथ खुद भी रेप्लीकेट करता है। ठीक है, लाइटिक साइकिल जो है, जो वायरसेस शो करते हैं वो सिर्फ एक ही होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं। अब क्योंकि लाइसोजेनिक में वो उसके डीएनए का पार्ट हो जाता है तो वो प्रोजेनी डीएनए में भी ट्रांसफर हो जाता है, तो ये मैनी होस्ट को इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है? मैनी होस्ट को इफेक्ट करता है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं लाइटिक साइकिल, फिर हम डिस्कस करेंगे लाइसोजेनिक साइकिल। तो बेटा ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। एक चीज और ध्यान रखना कि जो लाइटिक साइकिल शो करते हैं ना बेटा, जो वायरसेस, उनके केस में टेल फाइबर होता है, जैसा कि आपने बैक्टीरियोफाज टी2 के केस में दिखाया था। जबकि जो लाइसोजेनिक साइकिल शो करते हैं उनके केस में टेल फाइबर नहीं होते हैं, उनके केस में टेल जो है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आती है और ड्रिल करती है, जबकि जो लाइटिक साइकिल शो करते हैं उनके केस में टेल फाइबर होते हैं। क्या होते हैं? टेल फाइबर। लाइटिक साइकिल जो है इट गेट्स कंप्लीटेड इन 5 स्टेप्स। 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप है अटैचमेंट, दूसरा पेनिट्रेशन। सबसे पहले वायरस जो है होस्ट के साथ अटैच होगा। क्या होगा? अटैच होगा। फिर वो क्या करेगा? होस्ट के अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल को पेनिट्रेट करेगा, फिर खुद के कंपोनेंट को सिंथेसाइज करेगा, लास्ट में असेंबल करेगा और फिर वायरस पार्टिकल क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। तो ये देखो, हम साइकिल को देख लेते हैं। सबसे पहले वायरस क्या है? बैक्टीरियल होस्ट से अटैच हो चुका है, क्योंकि जो वायरस लाइटिक साइकिल शो करते हैं उनके केस में क्या होता है बेटा? टेल फाइबर होता है। तो इसकी हेल्प से वायरस जो है वो बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर मोटिलिटी शो करता है, मूवमेंट करेगा। उसके बाद क्या करता है? पेनिट्रेशन। वायरस जो है अपना जेनेटिक मटेरियल किस में ऐड कर देगा? होस्ट में ऐड कर देगा। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। फिर वायरस क्या करता है बेटा? वायरस के पास कुछ अर्ली एमआरएनए है, ये होस्ट के सिंथेटिक मशीनरी को यूज करके उनको ट्रांसक्राइब कराता है। क्या कराता है? ट्रांसक्राइब। और एमआरएनए जब ट्रांसक्राइब होंगे तो पॉलीपेप्टाइड बनेंगे, तो इससे कुछ वो न्यूक्लियेज एंजाइम को सिंथेसाइज कराता है। अब देखो, इंफॉर्मेशन किसकी है? आरएनए की है, लेकिन एक्सप्रेस किसकी हेल्प से कराता है? होस्ट के जेनेटिक मटेरियल की, होस्ट के सिंथेटिक मशीनरी की हेल्प से। और वो ऐसे न्यूक्लियस को सिंथेसाइज कर लेता है जो होस्ट के डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या कर देंगे? होस्ट का डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका मतलब कोई वायरस जो लाइटिक साइकिल शो करता है वो एंटर होने के बाद होस्ट के पास खुद की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती ही नहीं है, तो वो अपने अकॉर्डिंग उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। उसकी सिंथेटिक मशीनरी को कौन हाईजैक कर लेता है? वायरस।
क्योंकि ये न्यूक्लियेसिस एंजाइम सिंथेसाइज करता है जो कि होस्ट के जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन होस्ट के राइबोसोम और उसके टीआरएनए ये अनएफेक्टेड रहते हैं। और इनको यूज करके है तो ये चीजें वायरस होस्ट की, लेकिन इनको यूज कौन करेगा? वायरस। और अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या कराएगा बेटा? ट्रांसक्राइब कराएगा। तो इसकी हेल्प से वायरस ने क्या कर लिया? अपना प्रोटीन कंपोनेंट अलग से सिंथेसाइज कर लिया, अपने जेनेटिक मटेरियल को अलग से सिंथेसाइज कर लिया, क्योंकि इनके केस में रिप्रोडक्शन तो होता ही नहीं है। और लास्ट में सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? असेंबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? असेंबल हो जाएंगे। सेल्फ असेंबली शो करता है, और जब ये सेल्फ असेंबल हो जाते हैं तो ये वायरस की होस्ट की वॉल को डिस्ट्रॉय करते हैं, होस्ट सेल रप्चर हो जाती है और वायरस पार्टिकल बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो आफ्टर असेंबली स्टेप इज कंप्लीटेड, वायरल प्रोटीन कॉज द लाइसिस ऑफ द होस्ट। लाइसिस का मतलब ही क्या होता है? कि सेल लाइज करगी, सेल की वॉल रप्चर होगी और सारा कंटेंट कहाँ आ गया बेटा? बाहर आ गया। तो ये काम कौन कराता है? इसका प्रोटीन पार्ट। लेकिन कब? जब वो फुल्ली असेंबल हो जाता है। क्या हो जाता है? फुल्ली असेंबल हो जाता है। ठीक है, तो ये है बेटा हमारी लाइटेक साइकिल। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है? सबसे पहला स्टेप सेम है कि जो वायरस है वो बैक्टीरियल होस्ट से अटैच होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कोई भी आपके पास टेल फाइबर नहीं, सीधा ये टेल जो है ये इसकी वॉल के अंदर ड्रिल करेगी और ड्रिल करके अपने जेनेटिक मटीरियल को किस में डाल देगी? होस्ट की बॉडी। होस्ट की बॉडी में जेनेटिक मटेरियल एंटर करने के बाद ये है आपका होस्ट का क्रोमोसोमल डीएनए। तो ये अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट के क्रोमोसोमल डीएनए में इंसर्ट कर देती है। और जब इसका वायरस का जेनेटिक मटेरियल होस्ट में एंटर कर जाता है तो इस वायरस के पार्ट को हम बोलेंगे प्रोफाज। क्या बोलेंगे? प्रोफाज। और जो बैक्टीरियल सेल या जो भी होस्ट सेल है जिसके क्रोमोसोमल डीएनए में वायरस का जेनेटिक मटेरियल एंटर कर चुका है उसको हम कहते हैं लाइसोजन। क्या कहते हैं? लाइसोजन। ठीक है, तो वायरल डीएनए जो है होस्ट के सेल क्रोमोसोम में इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। अब ये होस्ट क्या करेगा? अपने आप को डिवाइड करेगा। होस्ट डिवाइड करेगा बेटा। यहाँ पे होस्ट सेल की डेथ नहीं होती है। कब तक नहीं होती? जब तक कि वो लाइसोजेनिक साइकिल से लाइटिक साइकिल में एंटर नहीं कर जाता। तो ये होस्ट सेल क्या करेगा? अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के दो स्टेप होते हैं। पहले तो अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लीकेट करता है, फिर सेल डिवाइड करती है। तो जब ये होस्ट आपके खुद के जेनेटिक मटेरियल को रेप्लीकेट करेगा तो साथ में किसका रेप्लीकेशन भी करा देगा? वायरस के पार्टिकल का, प्रोफाज का भी रेप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहां से ये दूसरी होस्ट में, डॉटर होस्ट में ट्रांसफर हो जाता। एक चीज ध्यान रखना, फाज हालांकि होस्ट सेल की डेथ तो कॉज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि फाज अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। एक होस्ट में आपको एक ही फाज दिख रहा है, प्रोजेनी में ट्रांसफर हो सकता है लेकिन अपने आप को होस्ट में मल्टीप्लाई नहीं करता है। लेकिन ये क्या कर सकता है बेटा? होस्ट के कैरेक्टर्स को चेंज कर सकता है। इट कैन अल्टर सेल कैरेक्टरिस्टिक बट डजंट डिस्ट्रॉय। ये क्या नहीं कर सकता है बेटा? इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये थी आपकी लाइसोजेनिक साइकिल। अब कुछ वर्ड्स और है, वो और देख लो। पहला वर्ड आता है एक्लिप्स या लेटेंट फेज। क्या होता है? तो ये क्या है? फेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ वायरस व्हेन वायरल कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल इनसाइड द बैक्टीरियम। जब वायरल पार्टिकल्स जो होते हैं वो बैक्टीरियम के अंदर विजिबल नहीं होते हैं, तो ये इसके अंदर लेटेंट फेज में आपका वायरस है या एक्लिप्स फेज में है, क्योंकि वायरस के पार्टिकल या वायरस के कंपोनेंट बैक्टीरिया के अंदर विजिबल नहीं होते। ठीक है, अब एक चीज देखो, फाज ने जो भी वायरसेस हैं, ठीक है, बैक्टीरियोफाज में लाइटिक साइकिल हमने देखी, तो हमने क्या देखा कि वायरस जो है कुछ अर्ली एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करा के न्यूक्लियेसेस बना लेता है, जो न्यूक्लियेसेस होस्ट के जेनेटिक मटेरियल को डिग्रेड कर देते हैं।
तो ये न्यूक्लियस क्या होता है, वो एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड दैट मीन्स जेनेटिक मटेरियल को डिग्रेड कर देंगे। तो क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस जो है वो वायरस के डीएनए या एमआरएनए को डिग्रेड क्यों नहीं करते। तो ऐसा क्यों, क्योंकि वायरस जो है खुद के डीएनए या एमआरएनए का मिथाइलेशन कराता है एट देयर साइटोसाइन बेसिस। जहां जहां उसके अंदर साइटोसाइन आएगा वहां वहां पे मिथाइलेशन मिथाइल ग्रुप को ऐड करा देगा। बेटा जो मिथाइलेशन हर ऑर्गेनिज्म शो करता है ताकि उसके न्यूक्लियस एंजाइम उसी के डीएनए या आरएनए को डिस्ट्रॉय ना करे। लेकिन ये मिथाइलेशन जो होता है एक स्पेसिफिक पोजीशन पे होता है, जैसे कि ये साइटोसाइन बेसिस पे मिथाइलेशन कराते हैं। तो अगर एक स्पेसिफिक पोजीशन पे मिथाइलेशन होता है तो उसके डाइजेस्टिव एंजाइम न्यूक्लियस एंजाइम उसको सेल्फ रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको डाइजेस्ट नहीं करते। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं कि वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट कैसे करता है। तो उसके दो मेथड है, एक तो है फाजिक रेप्लिकेशन और एक होता है पिनोसाइटिक रेप्लिकेशन। तो फाजिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अगर आपका फाज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का बना हुआ है तो वो कैसे रेप्लिकेट करेगा। तो फाज का जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव स्ट्रैंड। उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव स्ट्रैंड बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव स्ट्रैंड। ठीक है, जैसे ये देखो, ये मैंने फाज का डीएनए रिप्रेजेंट कर दिया और ये कैसा स्ट्रैंड है, पॉजिटिव स्ट्रैंड। अब होता क्या है, ये पॉजिटिव स्ट्रैंड अपनी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाएगा। क्या बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाएगा। और जो ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाएगा उस कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी को हम बोलेंगे नेगेटिव स्ट्रैंड। ठीक है, फिर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो गए, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। फर्दर जो ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा तो कैसे मल्टीप्लाई करेगा, इस नेगेटिव स्टैंड पे क्या बनाएगा, पॉजिटिव स्टैंड बनाएगा। नेगेटिव पे क्या बनाएगा, पॉजिटिव स्टैंड, और ये बनते जाएंगे और रिलीज होते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वायरस जो है अपने डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाता है। तो इसको कैसी कॉपी चाहिए, पॉजिटिव। तो सबसे पहले पॉजिटिव के ऊपर क्या बना, नेगेटिव स्ट्रैंड बना। और तो इनिशियली तो आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिला, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हम बोलते हैं रेप्लिकेटिव डीएनए। क्या बोलेंगे बेटा, रेप्लिकेटिव डीएनए। फिर ये रेप्लिकेटिव डीएनए क्या करता है, होस्ट की सेल्युलर मशीनरी को हाईजैक कर लेगा और इसके सेलुलर मशीनरी को हाईजैक करके अपनी मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज बनाएगा। कैसे, पॉजिटिव डीएनए बनाएगा किसके ऊपर, नेगेटिव डीएनए के ऊपर। किसके ऊपर बेटा, नेगेटिव। अब हम बात करते हैं पिनोसाइटिक मेथड की। तो पिनोसाइटिक मेथड से जो रेप्लिकेशन होता है ये सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल वायरसेस में, बहुत सारे प्लांट और एनिमल वायरसेस जो है वो पिनोसाइटिक मेथड से अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस, हर्पिस वायरस, एचआईवी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर देख लो एक बार। सबसे पहले जो वायरस है वो क्या शो करेगा, अटैचमेंट शो करेगा। क्या शो करेगा बेटा, अटैचमेंट शो करेगा। वायरस ने सबसे पहले अटैचमेंट शो किया, फिर ये पेनिट्रेशन मतलब अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करेगा। एक्चुअल में यहाँ पर पेनिट्रेशन का मतलब है सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर नहीं करता है इनिशियली वायरस, इसीलिए इसको पिनोसाइटिक कह रहे हैं। वायरस पार्टिकल जो है वो पूरा का पूरा किस में एंटर कर जाएगा, होस्ट सेल में एंटर कर जाएगा, लेकिन सिर्फ किसको छोड़कर, एनवेलप को छोड़कर। अगर एनवेलप प्रेजेंट है, जैसे कि एचआईवी वायरस एनवेलप्ड होते हैं, एनवेलप को छोड़कर बाकी जितना भी वायरस है पूरा का पूरा वायरस पार्टिकल किस में चला जाएगा, होस्ट में। और होस्ट में जाने के बाद ये अपने कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, कैप्सुल अलग से सेपरेट हो जाता है और न्यूक्लियोइड अलग से सेपरेट हो जाते हैं। अब ये न्यूक्लियोइड जो होता है ये दो मेथड से अपने आप को रेप्लिकेट करेगा।
एक तो होता है रेप्लिकेज एंजाइम की हेल्प से, इसमें ये डीएनए की हेल्प नहीं लेता है, और एक होता है रिट्रोवायरसेस में जो रेप्लिकेशन होता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, तो ध्यान से देखना। फर्स्ट जो मेथड है रेप्लिकेज एंजाइम की हेल्प से, तो इसमें आरएनए एक टेम्पलेट का काम करता है और अपने रेप्लिकेज एंजाइम की हेल्प से न्यू आरएनए बनाता है। फिर ये आरएनए क्या करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, कैसे, आरएनए एमआरएनए बन गया, फिर एमआरएनए ट्रांसलेशन करेगा और क्या बना लेगा, प्रोटीन बना लेगा। तो ये रेप्लिकेज एंजाइम की हेल्प से अपने आप को कौन रेप्लिकेट करता है, टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, मॉम्स एंड मिजल्स। और दूसरा मेथड होता है जो रेट्रोवायरसेस में होता है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, वो क्या करते हैं, इनके अंदर जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है उसको सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा होता है। किसकी हेल्प से करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से, और उससे जो आरएनए से डीएनए बनेगा उसको हम बोलेंगे सीडीएनए, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एमआरएनए बनाएगा, फिर ट्रांसलेशन करेगा और प्रोटीन बना देगा। तो ऐसा किस में होता है, एचआईवी वायरस और ट्यूमर वायरसेस के केस में। तो ये बेटा हमारा वायरस का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो ये यहाँ तक आपका वो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है जो आपका टेस्ट में आना है। थैंक यू।